इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास भाग 6, जिसमें हम काली मिट्टी काली मृदा से पढ़ेंगे। तो हम अभी मिट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊपर हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा, अब काली मिट्टी पर आते हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन मिट्टी का रंग कैसा होता है? करिया काला होता है। और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेगर मृदा। रेगर मृदा मतलब उसमें काला तो होता ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंकुर भी होता है। अंकुर मतलब छोटा छोटा पत्थर। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप देखोगे कि मुंबई में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में काली मिट्टी बहुत ज्यादा, उधर तो नहीं पाया जाता, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मिला दिया जाए तो काली मिट्टी का गढ़ है ये। और यहीं से रॉ मटेरियल चला जाता है फैक्ट्री में जल्दी से, और वहां से समुद्र में लोड होगा और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, बाजार में बिक जाएगा। काली मृदा में कपास तो अच्छा होता ही है, सब जानते हो, अभी पढ़कर जान चुके हो। काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है, और वहां की मिट्टी काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने, जलवायु मतलब वहां का हवा तापमान, और जनक शैल मतलब वो ऐसे कीड़े ऐसे काई जिसके वजह से वहां पर काली मिट्टी में उपजाऊपन सबसे ज्यादा होता है। काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और यही जलवायु परिवर्तन हो गया और जनक शैल हो गए जिसके वजह से काली मिट्टी महत्वपूर्ण योगदान का भागी बन जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पर क्या क्या नहीं बोया जाता है? मध्य प्रदेश में सब चीज बोया जाता है, चावल होता है, गेहूं होता है, ये दो हो गया। उसके बाद से आ जाओ कपास, कपास भी अच्छा होगा, नील की खेती अच्छा होती थी, खैनी का खेती, तंबाकू का खेती, अफीम का खेती जो अंग्रेज करवाया करते थे। ऊपर से आ जाओ आलू, अंगूर, कीवी, नारियल का भी ठीक होता है वहां पे, भिंडी, बड़ा बड़ा भिंडी होता है, बोरो लेने जाओगे तो बोरो भी काला हो जाता है, काली मिट्टी में काली बोरो। उसके बाद से आप चले जाओ मिर्चा, मिर्चा हम लोग खाते कितना है, दो दो मतलब बेसी से बेसी 6 इंच का, उधर जाओगे तो 8-8 इंच का मिर्चा मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, और उसका लोग फ्राई करके बचका जैसा चप होता है ना, चप पकौड़ी जैसा खाता है लोग, लगता है मिर्चा पकौड़े, मिर्ची पकौड़ी जैसा एकदम लंबा लंबा होता है, उसमें तेल डाल दो, उसको तवे पे फ्राई कर दो, आराम से खाओ, तीखा नहीं लगता, इतना फायदा है उसका। इस प्रकार की मृदाएं ढक्कन पठार कहां पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके बीच में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कर्नाटक में भी है, केरल में तो नहीं है। तो ढक्कन पठार बेलास्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और लावा, कौन सा लावा? ये देखो काली मृदा, फोटो देख लो आप, लावा जनक शैलों से बनी है। और ये पठार कैसे बना है? लावा के वजह से बना है। मैंने पहले बताया था ना, शायद ये जितने भी छोटे छोटे पठार हैं वे सब ज्वालामुखी का ठंडा होने के वजह से ही बने हैं, लेकिन यहां पर आप देख लो 100% लिखा हुआ है लावा जनक शैलों से बनी है। और जितने भी ये पठार है ना, ये लावा के वजह से बना है। लावा पिघल कर आया, लावा जमीन से निकला और जहां जहां आया ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद से उसको धीरे 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 पानी पड़ा, बहुत सालों के बाद वो जम गया। जमने के बाद उसको पठारी के नाम से लोग जानने लगा, जिसको लोग पठारी बोलते हैं आम भाषा में। पठारी कहाँ कहाँ होता है? यूपी, यूपी का कौन सा भाग? पश्चिम वाला भाग। गुजरात का थोड़ा सा जिधर ये थे सरदार सरोवर डैम है उधर का भाग, मध्य प्रदेश पूरा इलाका, मध्य प्रदेश में पूरा, महाराष्ट्र में आधा, आप तेलंगाना ले लो पूरा, मतलब उसमें खेती लायक जमीन भी है, ओडिशा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है,
हाँ, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में, मिजोरम में, बंगाल में भी है, बिहार में भी पठारी है। कहाँ पे है? गया में है। गया में आपको बहुत ज्यादा ज्यादा पठार दिख जाएगा, बड़ा बड़ा भी पठार दिखेगा। गया जो राक्षस हुआ करता था, उसका फोटो भी देखोगे तो पठारी को काट कर ही बनाया गया है। ध्यान से जो गया होगा वो देखा होगा कि छोटा सा एक पत्थर को काट कर उन सबका मूर्ति बनाया गया है। ये मृदाएं, ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब मुंबई वाला इलाका पूरा, और उसके बाद से सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, मालवा भी गुजरात में आ जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है, और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। कहाँ तक? कर्नाटक तक फैली है। तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी जो है कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन तीनों को कवर कर लेती है अकेले, क्योंकि ये तीनों नदी जो है ऊपर तो बहती है, लेकिन पहाड़ के नीचे से ले लो तो खेत के नीचे से भी बहती है। ये बहुत सारे पहाड़ पे देखो कि झरना गिर रहा है, झरना नहीं गिरता है, वो पानी का प्रेशर होता है, जमीन के पानी का प्रेशर होता है जो ऊपर से आकर निकलता है। और कभी कभी तो लगता है कि जो पहाड़ पर लोग रहते हैं, जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी का होता क्या है? समझो कि पहाड़ पर कोई मंदिर है, मंदिर पर कोई घर बना है, घर बना है तो वहां पर कुछ लोग तो बाथरूम भी करते होंगे, पेशाब भी करते होंगे, तो पानी जाता कहाँ है? तो वो पानी पहाड़ के अंदर से होते 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 वो झरना के रूप में नीचे गिरता है। लोग उसको सिक्का फेंक कर आशीर्वाद लेते हैं कि भैया हमारे मनोकामना पूरा करना तुम तो ये आम देखने को मिल जाएगा आपको। अब आम मत मतलब ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। काली मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृदिका से बनी है, सॉरी मृत्तिका से बनी है। इसमें आता है ना छोटा छोटा कण, एकदम जिस तरह पीला वाला बालू होता है वैसा आपको कण मिल जाएगा। उतना भी महीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी महीन होता है और बजर बजर होता है, एकदम बड़ियार होता है। समझ लो एक काली मिट्टी को, उसको ढेला बना लो, ढेला बना किसी को मार दो, कपार फूट जाएगा, गारंटी। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, पानी सूखने में तो भैया प्रकांड पंडित है ये। इसके अलावा ये मृदाएं कैलाशीय कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये जो पठारी इलाका है, पठारी इलाका में जो ये काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के पौष्टिक तत्व उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी उठाकर खाने लगे। पोटास की कमी हो गई, चलो भैया 1 किलो मिट्टी खा लो, पोटास ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं मर जाओगे उसके बाद से। चूना, चूना भी बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग को देखते हैं कि वो कभी कभी रगड़ कर तंबाकू के साथ ले लेते हैं, पान के साथ चूना लोग खा लेते हैं, तो पान के साथ चूना ही खाया जाता है। ऐसा नहीं कि काली मिट्टी उठाकर एक मुखा फांक लो कि हो गया काम। परंतु इनमें जो काली मिट्टी होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इनमें दरार पड़ जाती है। जितने भी काली मिट्टी होती है जहां जहां भी हो उसमें दरार पड़ जाता है, लेकिन ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें दरार नहीं पड़ता है। चाहे चेवड़ का भी कहे ना, उसमें दरार नहीं होगा, जिसमें अच्छी तरीके से नमी उसमें मिश्रित हो जाती है। जब वो गीला हो जाता है तो नमी अच्छे तरीके से उसमें हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है, पानी डाल दो उसके बाद से उसको उठाओ, लगेगा कि लासा हो गया उसमें। इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को जोतना बहुत आसान है, लेकिन काली मिट्टी को जोतना बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि चिपचिपी हो जाती है तो ट्रैक्टर फंसने लगता है ना इसमें। और देखो यहाँ पर जो भी सब्जियां लगाई जाती है तो उसको नेट पर लगाया, जाली पर लगाया जाता है, और जो जमीन के नीचे होता है, जैसे मैं आलू, कटहर, सॉरी आलू, कंदा, ओल, और उसके बाद से आ जाएगा गाजर, मूली, जो लौका गांव में देखोगे आप तो हम लोग ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन लौका को भी वो लोग जाली पर लगाते हैं, घेवड़ा को जाली पर, कुनरी को जाली पर, बोरी को जाली पर, हर चीज को वो जाली पर लगाते हैं जो लत्तर वाला होता है, जो जमीन वाला होता है जमीन में। लेकिन वो लोग एक बोर बनाकर रखते हैं, बड़का सा बोरवेल बनाते हैं जिसमें वो लोग धो देते हैं सब सब्जी को।
हम लोग को अपने खेत में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उन लोगों के खेतों में देखने को मिल जाएगा। उसके वजह से ही सब पानी जाता है खेतों में, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि सब किसी का खेत एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि सबका खेत बड़ा बड़ा होता है ना उधर का। इसलिए जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ट्रैक्टर वहां पर फंसने लगता है इससे पहले, जब मानसून वहां पर आता है उससे पहले ही लोग खेतों को जोत डालते हैं। खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें ट्रैक्टर चलाकर हल चलाकर उसको जोत लेते हैं कि पानी होगा, उसके बाद से टेंशन ही नहीं लेने का, कभी टेंशन। आप मुंबई में अधिकतर लोगों को देखोगे कि छोटा छोटा ट्रैक्टर लोग लेकर अपने अपने पास रखा है, भले ट्रैक्टर से बाथरूम करने जाता हो अलग बात है, लेकिन ट्रैक्टर वो लोग रखते हैं काहे, अपना खेत जोतने के लिए। लाल और पीली मिट्टी, हमने अभी जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लाल मिट्टी पीली मिट्टी। ठीक है, तो लाल मिट्टी ढक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में सिवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। मतलब जहां पर वर्षा कम होती है, पानी कम बरसता है, वहां पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। जैसे में आप झारखंड पूरा घूम लो, पूरे झारखंड में दो ही मिट्टी पाया जाता है, चिकटी माटी मिल जाएगा आपको नदी के किनारे, और लाल मिट्टी मिल जाएगा कहाँ पे, पहाड़ी इलाका में। कहीं भी आप चल जाओ पहाड़ी इलाका में, उधर जैसे में जसीडीह जाओ, जसीडीह से जब बाबा धाम जाते हो, बाबा धाम का सारा इलाका, वो जितना भी रांची वाला जगह है, सब में लाल मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि पूरा पहाड़े पहाड़ है। और जहां पर कोयला का माइनिंग होता है वहां पर तो भैया बातें मत पूछो, तो पूरा काली मिट्टी का ढेर है। काली मिट्टी नहीं है, काला स्टोन है, वो सब पहाड़ है, काला पहाड़, जिसको उसको काट काट कर कोयला के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। लाल और पीली मिट्टियां, लाल और पीली मिट्टियां ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिम घाटी में पहाड़ी पर पाई जाती है। आप चले जाओ पीली मिट्टी के लिए, अब लाल और पीली मिट्टी थोड़ा सा फिटौनी होता है, जैसे में ओडिशा में छत्तीसगढ़ में मध्य गंगा, मध्य गंगा आपको कहाँ आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको ये मिल जाएगा पीली मिट्टी। ऐसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ वह भी गंगा नदी के किनारे है, वहां पर भी पीली मिट्टी है। पीली मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक चिकटी मिट्टी होती है जिसमें लस ज्यादा होता है, और एक पीली मिट्टी होती है जो भाकड़ होता है, बहुत मजबूत होता है वो। जहां भी आप देखोगे ना नदी वाला इलाका, नदी वाला इलाका मतलब पूरा पियरी माटी, पूरा पियरी मिट्टी वहां पर मिलेगा। बस इन मृदाओं का लाल रंग सिवेदार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। देखो ये मिट्टी का रंग सेवेदार अग्नेय, सेवेदार अग्नेय मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पीला कलर का, क्यों होता है, क्योंकि चट्टानों में लोह धातु का प्रसार के कारण, मतलब लोहा का थोड़ा सा अंश होता है, इसके वजह से उसका रंग पीला और लाल हो जाता है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण है, मतलब इसका पीला रंग का मतलब क्या होता है, जल योजन, वहां से पानी गया है जो जल को एब्जॉर्ब सोख सकता है, तो जलयोजन का कारण है कि पानी तुरंत उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मैं जितना बड़ा इलाका में रहता हूं, जैसे छपरा का इलाका आ गया, छपरा टाउन का 10 किलोमीटर का रेडियस ले लो, आप कहीं भी जमीन खोद डालो पीला मिट्टी मिलेगा। बस कितना फीट के बाद, 4 फीट के बाद आपको पीला मिट्टी मिलना चालू हो जाएगा। तो हमने काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीला मिट्टी के बारे में पढ़ गए, अब लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे। अब लेटराइट मृदा क्या होता है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटराइट मृदा का निर्माण, लेटराइट मिट्टी कब बनता है, उसका निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, मतलब जहां पर गर्मी हो बहुत ज्यादा, जहां पर गर्मी ज्यादा हो, पानी भी बरसे लेकिन फिर भी गर्मी ज्यादा हो, वहां पर बनता है। अर्ध तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। एक ऋतु गया तुरंत आया, तुरंत आया तुरंत गया, तुरंत आया तुरंत गया। कुछ ऐसा राज्य है जहां पर तुरंत का तुरंत मौसम बदलाव होता है। यह भारी वर्षा के अत्यधिक
निछालन, सॉरी निछालन, ज्यादा जहां वर्षा होता है ना उसके निछालन का परिणाम है। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, ठंडी का गारंटी नहीं है, ठंडी वहां पर होता ही नहीं है। लेटराइट मृदा मतलब लेटराइट मिट्टी अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, गहरी तथा अम्लीय 6 दशमलव पीएच वैल्यू 6 होता है। कितना होता है पीएच वैल्यू 6, मतलब एक तरह से देखो तो एसिडिक होता है ये, उसमें एसिड का मात्रा होता है। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है, पौधा उसमें ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं दिखता है, कमी कमी उसमें महसूस होता है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे ये जो मिट्टी है आप देखोगे तो अधिकतर दक्षिण राज्य में ही दिखेंगे, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के इधर ही दिखेगा। जैसे महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर दिख जाएगा, ओडिशा में दिख जाएगा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में दिख जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी दिख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। जहां इस मिट्टी के प्राण पाती है सदाबहार वन मिलते हैं, और जहां भी ये मिट्टी पाई जाती है वहां पे सदाबहार जंगल मतलब खूब सारा जंगल वहां पर पाया जाता है। यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि अधिकतर यहाँ पर ऊपर क्या है, जलवायु क्षेत्रों में अर्ध और शुष्क ऋतुओं के बाद एक के बाद जब आती है तो यह मिट्टी बनता है। यह भारी वर्षा का अत्यधिक निचालन मतलब लीचिंग का परिणाम है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बारिश होता है, गर्मी भी होता है। लेटराइट मृदा मिट्टी अधिकतर गहरी तथा अम्लीय 6 पीएच वैल्यू का होता है। यहाँ पर पौधों के पोषण तत्वों में कमी होती है, उतना ज्यादा पोषण नहीं मिल पाता है पौधों को, लेकिन फिर भी वहां पर जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। कहीं से बड़ा बड़ा पेड़ नहीं होगा, छोटा छोटा पेड़ होगा ना। जहां इस मिट्टी में प्राणपाती, और प्राणपाती मतलब क्या, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटी और सदाबहार जंगल भी वहां पर मिल जाते हैं। वहां इनमें हुमस पर्याप्त ऋतु रूप में, हुमस मतलब क्या, गर्मी मतलब एक तरह से नहीं, बरसात में उमस हो जाता है हम लोगों को कि इतना ज्यादा पंखा उंखा चलता है तब भी पसीना होता है, तो वैसा वहां पर गर्मी पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क, विरल वनस्पति क्या होता है, ऐसा वनस्पति जो हमारे लिए जरूरी होता है, अर्ध शुष्क मतलब थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा कुछ सब मिला जुला कर, पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है, हुमस की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है, पर्यावरण में कम है लेकिन मिट्टी में ज्यादा है। तो हमने अभी तक जाना कि पर्यावरण में हुमस नहीं होता है, पर्यावरण में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जमीन के अंदर होता है, गर्माहट होती है। ऐसे में आप लेटराइट मिट्टी के देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है, पूरा जंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसमें देख लो थोड़ा सा पठारी इलाका है, लाल मिट्टी जैसा दिख रहा है, पूरा लाल मिट्टी भी नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन एकदम ढलाव टाइप का है, बारिश उधर ज्यादा होता है, और यहाँ पर उपजता भी है वनस्पति बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं स्थल रूप पर, यहाँ पर क्या है, स्थल रूप पर उसकी उपस्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती है। मतलब यहाँ पर समझो क्या होता है, अस्थल रूप पर मतलब जो जमीन का सतह दिख रहा है उस पर उनकी स्थिति के अनुसार, ऐसे जमीन के स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा, अपरदन क्या होता है, अपरदन मतलब उतना ज्यादा इसमें पोषण तत्व नहीं होता है, और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। और यहाँ पर जो जमीन पर आज पेड़ पौधा लगा है कोई गारंटी नहीं है कि उस जब पेड़ पौधा सूख जाएगा वहां का तो फिर उस पर लगेगा। मृदा संरक्षण की, मृदा मतलब उस जमीन, उस भूमि, उस मिट्टी की संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं का कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। मतलब इन सारे मिट्टियों का संरक्षित करके उसको बचाकर सरकार से आदेश लेकर बचाया जा रहा है, और बचाकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इस जमीन पर चाय कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा,
लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। आप तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इस मिट्टी पर काजू का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जाता है। क्या चीका? काजू का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जाता है और यहाँ पर होता भी है, क्योंकि ये काली मिट्टी, सॉरी, लेटराइट मिट्टी जो होती है ना, वो काजू के लिए बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। आप भी कभी जाओगे, कहीं भी जाओ घूमने के लिए, नोट करो कि हम जहाँ गए हैं वहां पर कौन सा मिट्टिया मिलता है, कौन सा माटी मिलता है, कौन सा मिट्टी मिलता है वहां पर हमें, कौन सा वातावरण है, ठंडा कब होता है, गर्मी कब होता है, बरसात कब होता है, कब क्या नहीं होता है, कब बारिश होता है, कब वहां पर कौन सा फसल लगाया जाता है, सब मालूम करके आना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी नहीं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में मिल जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अगले भाग में मैं बताता हूँ मरुस्थलीय मृदा, मतलब रेगिस्तान के बारे में मैं बताऊंगा कि भारत में कहाँ कहाँ रेगिस्तान है। अभी हम राजस्थान के बारे में जानते हैं, गुजरात के बारे में जानते हैं, और कहीं के बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानते ना, तो अभी हम इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। अगर आप सबको कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी, माइनर भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।